नमस्कार आपण देखुचंती फोकस ऑन नेशन न्यूज मु खुशी नजर पकाइबा नवरंगपुर जिला खबर उपरे। पेट्रोल और डीजल दर वृद्धि रो प्रतिवाद रे जातीय कांग्रेस रो बंद डाकरा। पेट्रोल डीजल दर दाम वृद्धि चलिबो नाही। सरकार तो पेट्रोल रो डीजल रो दर दर वृद्धि चलिबो नाही। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। देशरे हु होई बढी चालीची पेट्रोल और डीजल दर। देशरे कमिबार ना धरुनी दर वृद्धि। साधारण जनता हंतसंत हेउछंती। विशेष दर वृद्धि गरीब और मध्यबित परिवार उपरे प्रभाव पकाउछि। एही परिप्रेक्षीरे आज समग्र ओडिशा रे बंद डाकरा देइछंती प्रदेश कांग्रेस सभापति निरंजन पटनायक। सेहीपरि जिलार प्रत्येक ब्लक जथा तेंतुली खुंटी, नंदा हांडी, उमरकोट, कोसागुमुड़ा, रायघर, नंदाहांडी, डाबुगाँ, छरीगाँ और पापड़ाहांडी ठारे शांति श्रृंखला भावरे जनसाधारण को सहयोगरे बंद डाकरा को सफल करा जायथिला। जी सारा ओडिशा रे निरंजन पटनायक अनुमति क्रमे आम समस्त ओडिशा सारा पूरा बंद पालन करुचु। कौन पर समस्त जानिछ पेट्रोल दर हु करी बढ़ी चलती, दरदाम वृद्धि बहुत घटुचे। से बोली आज नारी निर्यातना, शिशु हत्या और अनेक प्रकार दुर्नीति ये सब विषय नहीं करें बंद पालन कर। आज आम ओडिशा पीसी सभापति निरंजन पटनायक निर्देश क्रमे जो भारत सरकार पेट्रोल डीजल जो प्रकार हु दर बढ़ी चलती तार प्रतिवाद रे आम तेंतुलीखुंटी ब्लॉक कांग्रेस कमिटी तेंतुलीखुंटी ब्लॉक कांग्रेस कमिटी सभापति निर्देश क्रमे समस्ते आम आज रास्ता रोक करी बाजार ऑफिस घाट सब बंद करी जो प्रकार दर चलती लोकंर बहुत असुविधा होल्प मसे भितर शहे टा भी टपी गला। पेट्रोल डीजेल वमर गैस सबू दर बढ़ी चलती एवं चाषीर धान उठी पारना से आम बीजेपी सरकार बीजेडी सरकार प्रतिवाद आज आम रास्ता रोक कर आगामी दिन रे इडा जदि ये न होब ताले आम आंदोलन करी करी बसी रहिबो। सारा देश रे तैल दर अहेतुक वृद्धि पाउछि बारंबार एवं या उपर सरकारंकर बिल्कुल माने कोनसी प्रकार कार्यानुष्ठान ग्रहण करूना तैल दर कमुनी जोद्वारा नित्य व्यवहार्य जिनस भी हू हो बढ़ुची दरदाम यार प्रभाव रे साधारण जनता जो प्रकार असुविधार सम्मुखीन होउछंती तार प्रतिवाद करबा पई ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी रे डाकरा रे आज 6 घंटिया बंद डाकरा दे जाइछि। तो या स्वतप्रकृत भाव में जनसाधारण समर्थन करोक आशा करेंगे आगामी दिन में सरकार चेतापशु और सरकार या निष्ठार सहित कम करूँ तैल दर जो वृद्धि होटकै चेषा कर दर वृद्धि जनसाधारणुक भाव बहुत बाधुचे यहाँ विरोध में आम दल समर्थन। प्रदेश कार्यकारी सभापति प्रदीप माझी, जिला कांग्रेस सभापति मुना त्रिपाठी, पूर्वतन विधायक सदन नायक, जिला महिला कांग्रेस सभापति पी नागरत्नम, पूर्वतन प्रदेश कांग्रेस साधारण संपादक सरोज पात्र, युव कांग्रेस सभापति अखिल भत्रा, सुमित पुजारी, उत्तम त्रिपाठी, केशव भोलो एवं प्रत्येक ब्लॉक ब्लॉक कांग्रेस सभापति समेत बहु कांग्रेस कर्मी उपस्थित रही बंद पालन करथिले। जो दर रे तेल एवं अन्यान विषय सब रेट बढ़ी चलती आ साधारण लोक बहुत कष्टदायक होमें यही बंद डाकरा सहमत सभापति मान्यवर कृषि सभापति निरंजन पटनायक निर्देश क्रमे सारा ओडिशा रे आज अहेतुक पेट्रोल डीजेल दर प्रतिवाद में आज आम नवरंगपुर जिले में पालन कर जनसाधारण बहुत संख्यार सामिल होती सर्वसाधारण आज यही बंद में सामिल अच्छा आम अत्यावश्यक सामग्री को आम आज बाद देचु आज एम्बुलेंस कहतु क्षीर गाड़ी कहतु आपको बाद देचु दिनक दिन देखो पेट्रोल डीजेल दर आकाश छुआ होबार लगी प्रतिवाद करें
ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ସବୁବେଳେ ଗରିବ ସରକାର ଗରିବଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ଧନୀ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କର ସରକାର ହୋଇଛି ଏବଂ ତୈଳ ଦର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆକାଶଛୁଆଁ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ଆମେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏହା ସକାଳ 7:00 ରହିଛି, ଏହା 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା କହୁଛୁ ଏହା ଚାଲିବ ଏବଂ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି। ଆଜି ଜନସାଧାରଣ ଅତପୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ଏହି ବନ୍ଦରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାରା ପୃଥିବୀ ବର୍ଷରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦାମ କମୁଥିଲା ବେଳେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଜାନୁଆରୀରୁ ଫେବୃଆରୀ 2 ମାସ ଭିତରେ 16 ଥର ବଢ଼ିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ନୀରବ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନୀରବ, ଏପଟ ପୁଣି ଜନସାଧାରଣ ଅତିଷ୍ଠ ହେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ନାଁରେ, ଟିକସ ଆଦାୟ ନାଁରେ, ସେସ୍ ଆଦାୟ ନାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ଯଦ୍ୱାରାକି ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର୍ମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ଆଜି ସକାଳୁ ପୁଣି ଥରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ 50 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତ ଏ ସରକାର ଯେଉଁ ମନୋମୁଖୀ ଶାସନ ଚଲେଇଛି ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ 6 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆମେ ବନ୍ଦର ଡାକରା ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ବନ୍ଦରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦରଦାମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦରକୁ କମ୍ ନ କରାଯାଏ, ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଯଦି ହ୍ରାସ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ। ଏଣୁକରି ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାରକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ ଏ ଦରଦାମକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ କଞ୍ଜ୍ୟୁମରକୁ ମାନେ ରିଲିଫ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନ ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଏଲ ସନ୍ତୋଷ ରାଓଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ ନ୍ୟୁଜ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ, କ୍ଲିକ୍ ଅନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟ ଫର୍ଗେଟ୍ ଟୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଶେୟାର।